इसलिए अगर अल्लाह का हक नहीं देंगे तो वो भी पलीद हो जाएगा। उसको पाक रखने का जरिया ये है कि हम अल्लाह का हक दें। अब हमारा पैसा हमेशा सर्कल में रहता है, कुछ हमें नफा 11 महीने पहले आता है, कुछ एक महीना पहले, इसलिए हमें एक दिन मुकर्रर कर लेना चाहिए साल में, उस वक्त हम अपने असासों को गिन लें, जो असासे हमारे उस दिन होंगे उसके मुताबिक ज़कात दे दें। ज़कात आप साल में किसी भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन सदका वो रमज़ानुल मुबारक में है, अल्लाह इसका अजर कई गुना ज्यादा कर देता है। इसीलिए मुसलमान अमूमी तौर पे ज़कात जो है अपनी ये रमज़ानुल मुबारक में देते हैं। अब इसी तरह एक काश्तकार है, तो काश्तकार के लिए जो मेयार है वो ज़कात नहीं, वो उशर है। अगर उसका जो गंदम है, जौ है, मकई है, जो भी अनाज वो बोता है, वो जब उसका झाड़ निकलता है, अगर तो वो पानी ट्यूबवेल से या अपने पैसों से लगाता है, तो फिर 20 मन में एक मन उसे ज़कात अदा करनी है, इसे उशर कहते हैं। अगर वो कुदरती पानी लगता है तो वो 10 मन में एक मन देगा। आजकल डेयरी का काम बड़ा हो रहा है, अगर एक इंसान ऊंट पालता है, 5 ऊंटों पे के कम होंगे तो उस पर ज़कात नहीं है, 5 से ज्यादा होंगे तो उसकी एक तरतीब है ज़कात की कि वो उस तरह ज़कात देगा। इसी तरह 30 भैंसें या गायें होंगी तो उस पर ज़कात है, इससे कम पे ज़कात नहीं है। 40 बकरियां या बकरे होंगे तो उस पर ज़कात है, इससे कम पे ज़कात नहीं है। सवारी पे ज़कात नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपने अपने अपनी औलाद की सहूलत के लिए लेके रखी हुई है उस पर ज़कात नहीं है। जो प्रॉपर्टी सनती बेस पे आपने ली हुई है कि इसे फरोख्त करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा, वो जब आप बेचेंगे उस वक्त उसकी कुल कीमत पे बमा प्रॉफिट जो पैसे आपको आए हैं उस पर आपको ज़कात देनी होगी अखराजात निकाल के। तो ये तरीकाकार प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब ये सवाल ये पैदा होता है, ये ज़कात किन को देंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत तौबा उसकी आयत नंबर 60 8 मदें बताई हैं। सबसे पहली अल्लाह फरमाते हैं इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, तुम्हारी सदकात के, तुम्हारी जकात के सबसे पहले हकदार फकीर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फकीर कौन है? हमारी लुगत के एतबार से, हमारे जहन के एतबार से ये जो मांगने वाले आते हैं ये फकीर हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पेशावर गदागर है। फकीर की तारीफ अल्लाह ने सूरत बकरा के अंदर खुद फरमाई, कहा लिल फुकरा। फुकरा कौन है? पहली निशानी उनकी ये है उहसिरूफी सबीलिल्लाह, जिन्हें अल्लाह के रस्ते में कैद कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, जिस तरह कश्मीर के मुसलमान, जिस तरह शाम के मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमान, और जो कुफार ने जिन्हें अपने शिकंजे में घड़ा हुआ है, ये फकीर हैं। लिल फुकरा, दूसरे उहसिरूफी सभी ला यस्ततीउन सरबन, अपाहज, जो खुद मजदूरी करने की ताकत नहीं रखते, वो नबीना है, हाथ से अपाहज है, टांग से अपाहज है, या कोई ऐसी बीमारी लागर है, किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है कि वो बेचारा मजदूरी नहीं कर सकता, ये फकीर है। ला यस्ततीउन सरबन फिल अर्थ, एक सफेद पोश है। यहसबुहुमुल जाहिलु अग्निया, जिसको उसके मुतालिक पता नहीं, वो समझता है कि ये तो अच्छा भला है क्योंकि वो मांगता नहीं है। ला यसअलूनन्नासा इल्हाफा, सबसे बड़ी फकीर की निशानी अल्लाह ने ये बताई, वो कभी चिमट के नहीं मांगेगा। जो शख्स चिमट के मांगता है, पीछे पड़ जाता है, वो फकीर नहीं, वो पेशावर गदागर है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन माले गनीमत, जो सदके के ऊंट थे, उनका चारा नहीं था,
आपने एक फकीर को देखा, उसने अपने कंधे के ऊपर आटे के बहुत बड़ा एक गठड़ी लादी हुई थी। आपने फरमाया इसे पकड़ो, इसका आटा लेके पानी में घोल के ऊंटों को पिला दो। कहा ये फकीर आदमी है। कहा नहीं, ये गदागर है, पेशावर है, तुम इससे ले लो, ये फिर जाके मांग लेगा। और हकीकत बात यह है, कभी इनकी झोंपड़ियों में जाके देखें, ये फकत अय्याशी के लिए ये सब कुछ करते हैं, अलायाज़ु बिल्ला। अगर कोई, सबसे पहले आपने देखना है अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज व अकारब में। याद रखें, हमारे जहन में एक तसव्वुर है, अक्सर लोग इसका सवाल करते हैं, क्या भाई को ज़कात दी जा सकती है, बहन को ज़कात दी जा सकती है? सिर्फ माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, उनका हक है, हमें हर सूरत उनका हक अदा करना है। अगर औलाद में भी कोई बेटी या बेटा हमारी कफालत से निकल गया है, वो अपना करता है लेकिन उस बेचारे की पूरी नहीं पड़ती, तो उसका भी हक है। याद रखें, जो शख्स अपनी ज़कात अपने खून के रिश्तेदारों को देता है, और एक वो शख्स जो अपनी ज़कात गैरों को देता है, दोनों में फर्क क्या है? जो अपनों को दी, उसके दो अजर हैं। एक, उसने सिला रहमी अपने रिश्तेदारों से की, और दूसरी उसने अल्लाह का हक दिया, दो अजर मिलेंगे। और अगर आम आदमी को देता है तो एक अजर मिलेगा। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए अपने अजीज व अकारब में देखें, दूसरा अपने पड़ोस में देखें कि मुमकिन है उसका घर तो अपना है, वो अपने घर में रहता है, क्या वो सहरी इफ्तारी भी कर सकता है, क्या उसके बच्चे नाश्ता दूध पी सकते हैं? हमें देखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपने घर में अच्छी हंडिया बनाओ तो उसका शोरबा लंबा कर लो, अपने पड़ोसी को भी दो। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ गोश्त का एक टुकड़ा कसाब से लेकर ऐसे ही आ रहे थे, तो हजरत उमर ने छीन लिया, कहने लगे कि गुरबा को तरसाते हो, इसे लपेट के लाओ कि वो देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमारे बच्चों के लिए नहीं है और इनके लिए है। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे इंसानियत तड़पे ना, बल्कि इंसानियत की भलाई हो। ज़कात का निजाम अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि इससे गरीब का हक उसके घर तक पहुंचे। नबी करीम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने आके सवाल किया, या रसूल अल्लाह कुछ अता कीजिए। आपने फरमाया बैठ जाओ, इस मामले में अल्लाह ने ना मेरी मानी है ना किसी और रसूल की, अल्लाह ने मद्दें खुद मुकर्रर की हैं, अगर तुम्हारा हक बनता होगा तो जरूर दूंगा, लेकिन अगर नहीं हक बनता तो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि इस ज़कात को इस तरह लुटा देना ये भी बात नहीं है, हमें हकदार को ढूंढना चाहिए कि कौन इसका हकदार है और उसे अता करना चाहिए। जिस तरह नमाज के लिए हम बड़े एहतमाम करते हैं कि मेरी नमाज जाया ना हो जाए, मेरा हज जाया ना हो जाए, मेरा रोजा ना जाया हो जाए, इसी तरह ज़कात की एक इबादत है, हमें इस मामले में एहतियात करनी चाहिए कि जिसका हक है उस तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसी ही तौफीक अता फरमाए। दूसरा है वल मसाकीन, मिस्कीन उस शख्स